नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नवरात्र में माँ जगदम्बा को किस दिन लगाए कौन सा भोग? देवी की आराधना से सकाम भक्तों को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है तो निष्काम भक्त मोक्ष को प्राप्त करते हैं। श्री दुर्गा सप्तशती के अनुसार देवी की आराधना से जहां ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले राजा सुरथ ने अखंड साम्राज्य प्राप्त किया, वहीं वैराग्यवान समाधि वैश्य ने मोक्ष की प्राप्ति की थी। तिथि और वार के अनुसार माँ को अर्पण करे भोग और मनचाहा पाए फल। तिथि के अनुसार माँ को अर्पण किया जाने वाला विशेष भोग। श्री देवी भागवत पुराण में माँ जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए देवी पक्ष में प्रतिदिन माँ के अलग अलग भोग बताए गए हैं और उन्हें दान करने का निर्देश है। माँ जगदम्बा जगत जननी है, सभी उनकी संतान है, अतः माँ को अर्पण किया गया वह भोग ब्राह्मणों बटुकों व गरीब लोगों को देवी का रूप समझकर दान देना चाहिए। प्रतिपदा तिथि में माँ जगदम्बा को षोडशोपचार पूजन के बाद उन्हें गाय के घी का भोग लगाएं और उसे ब्राह्मण को दे दें। इसके फलस्वरूप मनुष्य कभी रोगी नहीं होता। द्वितीय तिथि को माँ का पूजन करके चीनी का भोग लगावें और ब्राह्मण को दान दें। ऐसा करने से मनुष्य दीर्घायु होता है। तृतीय तिथि को माँ जगदम्बा को दूध का भोग लगाएं और ब्राह्मण को दे दें, वह सभी दुखों से मुक्ति प्राप्त करने का अचूक उपाय है। चतुर्थी तिथि को माँ को मालपुवे का नैवेद्य अर्पण करें और फिर ब्राह्मण को दे दें। इस दान से जीवन की सारी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती है। पंचमी तिथि को माँ की पूजा के बाद केला अर्पण करें और वह प्रसाद ब्राह्मणों को दे दें। ऐसा करने से मनुष्य का बुद्धि और कौशल बढ़ता है। षष्ठी तिथि के दिन माँ के भोग में मधु यानी कि शहद का महत्व है, अतः मधु का भोग अर्पण करके उसे ब्राह्मण को देने से मनुष्य को सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। सप्तमी तिथि के दिन जगदम्बा को गुड़ अर्पण करें और ब्राह्मण को दे दें। ऐसा करने से मनुष्य के सारे सुख दूर हो जाते हैं। अष्टमी तिथि के दिन भगवती को नारियल का भोग लगाएं और फिर ब्राह्मण को दान करें। ऐसा करने से मनुष्य को कभी किसी प्रकार का संताप यानी कि दुख क्लेश ज्वर आदि नहीं होता। नवमी तिथि के दिन देवी को धान का लावा यानी कि खील का भोग लगाकर ब्राह्मण को दान करने से मनुष्य को इस लोक और परलोक में सुख प्राप्त होता है। दसवीं तिथि के दिन माँ को काले तिल से बने मिष्ठान का भोग लगाकर ब्राह्मण को दान करें। ऐसा करने से मनुष्य को यमलोक का भय नहीं सताता। एकादशी के दिन भगवती को दही का भोग लगाकर ब्राह्मण को देना चाहिए, इससे माँ की कृपा प्राप्त होती है। द्वादशी को माँ को चिड़वा का भोग लगाकर ब्राह्मणों को बांट दें, इससे माँ अपना कृपा हस्त सदैव साधक के ऊपर रखती है। त्रयोदशी को चने का भोग लगाकर ब्राह्मण को दान करने से साधक को पुत्र पौत्र आदि का सुख प्राप्त होता है। चतुर्दशी के दिन माँ जगदम्बा को सत्तू का भोग लगाकर जो ब्राह्मण को देता है उस पर भगवान शंकर अति प्रसन्न होते हैं। पूर्णिमा के दिन माँ को खीर का भोग लगाकर ब्राह्मण को दान देने से पितरों को सदगति प्राप्त होती है। माँ जगदम्बा के सात वारों के साथ विशेष भोग। श्री देवी भागवत पुराण में माँ जगदम्बा के लिए सात वारों के भी सात भोग बताए गए हैं। नवरात्र ही नहीं, जो लोग प्रतिदिन देवी की आराधना करते हैं वे भी तिथि और वार के अनुसार माँ को भोग अर्पण कर माँ की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। रविवार को माँ को खीर का भोग लगाना चाहिए। सोमवार के दिन माँ को दूध अर्पण करें। मंगलवार के दिन माँ को केले का भोग लगाने से माँ प्रसन्न होती है। बुधवार के दिन माँ को मक्खन का भोग लगाना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन खांड यानी कि बूरे का भोग लगाएं। शुक्रवार को चीनी का भोग लगाएं। शनिवार को गाय के घी का नैवेद्य माँ को निवेदित करें। तो दोस्तों, सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएँ। बोलो जय माता दी। और दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आए तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य डालें, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और अच्छी अच्छी जानकारियाँ देने के लिए और इसी प्रकार रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।